हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए रेसिपी के साथ। आज मैं बथुए की कढ़ी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बिना देर किए बनाते हैं बथुए की कढ़ी। बथुए की कढ़ी बनाने के लिए मैंने बथुए लिया, थोड़ा सा उसको धो के बारीक कट करके रख लिया है। तड़के के लिए मैंने थोड़े से प्याज, लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च और अदरक के लच्छे, कड़ी पत्ता, ये पकौड़ी के लिए मैंने अलग से थोड़े से प्याज लिया। तड़के के लिए मैंने काली मिर्च, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा और मेथी। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो पहले हम कड़ी की प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए मैंने लस्सी ली है, हमारे पास ताजी लस्सी मिल गई थी। मैंने उसमें नमक डाल के छोड़ दिया था कल, आज ये खट्टी हो गई। आप दही के साथ भी बना सकते हो इसको, खट्टी दही के साथ। फिर मैं कड़ी थोड़ी खट्टी लगती है अच्छी। कड़ी का घोल तैयार करेंगे। लस्सी मैंने डाल दिया, इसमें हम थोड़े से बेसन डालेंगे। दो चम्मच बेसन डाला है मैंने। विस्कर की सहायता से इसको घोल लेंगे। कढ़ी का घोल तैयार है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी कढ़ी का। मैंने सरसों का तेल लिया है, तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें तड़का डालूंगी। मैं इसमें लहसुन डालूंगी, लहसुन को एक मिनट फ्राई करेंगे। प्याज डाल दूंगी, अदरक, हरी मिर्च, इसको 5 मिनट तक सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा करीब करीब भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया 3 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। मसालों को थोड़ा भूनेंगे। मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें बथुआ डालूंगी। बथुए को 2-3 मिनट तक भूनेंगे मैंने, ताकि इसका कच्चा पन निकल जाए। बथुए ने थोड़ा अपना पानी छोड़ दिया, थोड़ा सा 2 मिनट बाद भूनेंगे इसे। मैं इसमें कढ़ी का और बेसन का, दही का और बेसन का जो घोल तैयार रखा था वो इसमें डाल दूंगी। थोड़ा इसमें पानी और मिलाएंगे। अब ये आधे से पौने घंटा इसको पकाएंगे। बोलो, कढ़ी अभी आधे घंटे पकेगी, इतने मैं इसकी पकौड़े तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने प्याज बारीक कट कर लिया है, इसमें मैं मसाले डालूंगी। नमक 1 चम्मच स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, गरम मसाला, बेसन डालेंगे,
चार चम्मच बेसन डालेंगे। नॉर्मल जैसे पकोड़े बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, सिंपल तरीके से पकोड़े इसके तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकोड़े का घोल तैयार करेंगे। पकोड़े का घोल मेरा तैयार है, मैं इसको तलूंगी। पकौड़े का घोल तैयार हो गया, मैं इधर कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं तेल डालूंगी पकौड़े तलने के लिए। इतने कड़े भी चेक करेंगे, अभी ये पकी नहीं है, अभी और पकेगी। डालूंगी इसमें तेल, अभी गर्म हो रहा है पकौड़े बना रही, तेल गर्म हो चुका है, पकौड़े तलेंगे। हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए, मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसका कलर देखो कितना सुनहरा आया, कड़ी भी हाफ से ज़्यादा कुक हो चुकी है, ये दो तीन मिनट और लगेंगे इसको। फाइनल तड़के के लिए मैंने घी लिया, काली सरसों, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी देगी मिर्च और हींग, मैं इसका फाइनल तड़का लगाऊंगी। घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तड़का हो गया है, मैं इसमें डालूंगी कड़ी में। ये पकौड़े जो तैयार करके रखे थे हमने, ये पकौड़े डालूंगे। पकौड़े बिना तो कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। इसको कढ़ी हमारी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा बाउल में निकालूंगा। गैस, जैसा कि आप देख सकते हो हमारी बथुए की कढ़ी तैयार है। ये काफी टेस्टी एंड हेल्दी है। आपसे फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।